कुरान में जितने भी सजदे का हुक्म है और उस सजदों को करने का क्या तरीका है और इकट्ठे कैसे किए जाते हैं? कुरान पाक में जो सजदे तिलावत हैं 14 के करीब, इनको एक साथ करने का तरीका क्या है, इसकी फजीलत भी है? कुरान पाक में जो सजदे तिलावत हैं, सबसे बेहतर और अफजल तो यही है कि जब सजदे तिलावत की आयत आपने तिलावत की, आप उसी वक्त जो है वो अगर मकरू वक्त नहीं है तो सजदा फौरी तौर पर अदा कर लें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई अदा नहीं कर सका तो चूँकि ये वाजिब सजदा है, अगर पिछले कई कुरानों का अदा नहीं किया तो वो भी अदा करना होगा। तो सजदे तिलावत का मसनून तरीका तो ये है कि आप खड़े हों और अल्लाहु अकबर कह के जो है वो डायरेक्ट सजदे में चले जाएँ, तस्बीहाते जो है वो सजदा पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएँ, आपका सजदा एक मुकम्मल हो गया। पहले खड़ा होना और सजदे के बाद दोबारा खड़ा होना, ये दोनों मुस्तहब हैं। अगर ये छोड़ भी दिया, बैठे बैठे भी कोई डायरेक्ट सजदे में अल्लाह अकबर कहकर चला गया, तो भी सजदा अदा हो जाएगा। तो अब अगर इन्होंने 14 सजदे करने हैं तो इसी तरह एक मकाम पर खड़े होकर हर बार अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएँ और खड़े हो जाएँ, इस तरह 14 सजदे मुकम्मल कर लें। जज़ाकअल्लाह।